स्नैक्स वगैरह चिप्स वगैरह लिए देखो, चिप्स अंदर देखो पैकेट के अंदर चिप्स किए हैं, ऊपर से अखबार लिपेट के और रबड़ लिपेट के और पानी की बोतल लिए देखो, कैसे लिपेट के दिए उन्होंने, देख सकते हैं आप कितना अच्छा लगता है ना अलग जगह में जाके। और हम कन्याकुमारी जा रहे हैं, ये खड़ी मेरी थार। टाइम हो गया रात के 9, गाड़ी में सफ़र करते हुए वहाँ से निकले थे अपना जटायु से, काफ़ी हमने आगे पहुँच गए, 200 किलोमीटर 100-150 किलोमीटर कवर कर लिया हमने ना। कहाँ से? नहीं, जटायु से 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर कवर करने के बाद अभी हमने टैंक फुल कराना है, फुल करा के उसके बाद आगे निकलेंगे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में देखेंगे जो मेन पॉइंट है यहाँ पे कन्याकुमारी का मेन जो है, वहाँ जाके फोटो वगैरह क्लिक करेंगे, क्लियर आती तो वहाँ से अगर प्लान बन गया तो आगे निकल जाएंगे, नहीं तो फिर वहीं स्टे मार लेंगे अगर कुछ ऐसी अच्छी चीज़ नहीं रह जाएगी तो। आगे क्या निकलेंगे, जो हमारा मैप है ना ऐसे आए हम बाउंड्री बाउंड्री और उसके बीच में निकल के जाएंगे। फुल हो गया टैंक और अभी एटीएम से हम वाईफाई वाला है और 40 लीटर आ गया। यहाँ थोड़ा ऐसे केरला में थोड़ा सस्ता था, 86 के करीब था केरला में। केरला ही है स्टार्टिंग में सस्ता था, यहाँ पे थोड़ा आगे एक्सपेंसिव हो गया। हो गया बिल, इसका जो इसका नहीं जानती मशीन बिल चाहिए। थैंक यू। हम तमिलनाडु में गाड़ी का नंबर देख के एंटर हो गए, हम तमिलनाडु में कार का नंबर देख के जान लो आप, TN नंबर लिखा हुआ है, TN मींस तमिलनाडु। सारी सड़कें सुड़कें सब कुछ चेंज हो गया भाई साहब, पीछे इतनी बढ़िया सड़कें थी कि मतलब गाड़ी शाय करती हुई हमारी तमिलनाडु पहुंच गई थी, अब इतने 35 आ गए हैं ऐसा लग रहा दिल्ली में फिर एंटर हो गए हम। ऐसे देखो हालत देख लो, गाड़ी ऐसे हिल रही है पूरी, इतने 35 है, मतलब सब हर स्टेट का अलग अलग ही स्वाद है, चाहे वो रोड लगा के सवाल ले लो चाहे वो खाने लगा के सवाल ले लो, हर स्टेट का अलग अलग। हमने पार कर दी है और भूख लगने लगी थी, टाइम हो गया 10 बज गए हैं पूरे और होटल देखा हमने तो मैंने बोला टाइम चेक कर नामा करके यार, नामा बैठू तो देख लो कितने पता। मेरे को लगता है ये वाला होटल मशहूर होगा इसीलिए कह रहा, होटल में टाइम लग जाएगा कि आप 2 घंटे ऑर्डर देके 2 घंटे बैठे रहोगे बेफालतू में, और वहाँ पे जहाँ पे हमने बैठना था वो भी फुल था। आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा दूर होटल वगैरह आगे आ जाएगा। से 1 किलोमीटर उधर आना तो सब आजू बाजू में मंदिर आस पास में। कितना किलोमीटर होगा? किलोमीटर नहीं है, यहाँ से 1 किलोमीटर है नीचे सीधा विवेकानंद रॉक मंदिर है, कन्या देवी मंदिर है, त्रिवेणी संगम, गांधी स्मारक है, सुबह भी सनराइज उधर देखेंगे आजू बाजू में। गाड़ी मूर्ति देखो कितनी जबरदस्त लग रही है रात को भी। बीच इधर से जाना पड़ेगा, बीच स्टैचू है वो स्टैचू सीधा स्ट्रेट डाउन बिल्कुल स्ट्रेट। थैंक यू। अकोमोडेशन सर? अकोमोडेशन अभी नहीं देख रहे, ये देख लो लास्ट सीधा स्टेट स्टेट कर सुनो। बस यही तो एंड है और क्या, यहाँ पे पृथ्वी बनाएंगे हम, ये रहा समुद्र सामने स्टैचू का दौर है, गिरी नाउ ना उन्हें स्टैचू बेटे स्टैचू। आगे चलो उस्ताद जी उधर देखिए, ये देखो ये समुद्र पे स्टैचू दिखा रहा है, यहाँ पे आगे जाके इस रोड पे आगे स्टैचू है, ये ना रास्ता दिखा रहा है मैप के में, ये सामने देख लो नजारा। और यहाँ से मतलब मैप जो है ना, मैप बिल्कुल एंड हो चुका है, मैप के किनारे पे आगे खड़ा हूँ मैं, सामने देखो यहाँ से पानी चालू शुरू हो जाता है, जो आपको मैप के अंदर नजर आता ना ये वो वाला पानी, नाव पड़ी है, शिप वगैरह बहुत बड़े बड़े चीजें हैं। और यहाँ पे कुछ टूटा भी हुआ है, ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था यहाँ पे, तो पता नहीं होटल सामने भी है। हम रूट ढूंढ रहे हैं जो मैप के अंदर आता है, रूट वो ढूंढ रहे हैं हम, मैप हमें दिखा रहा है या तो आगे से जाके इधर से, मैप हमें ये दिखा रहा है। और सामने एक सामने चर्च बना हुआ है, बाकी देखते हैं आगे कितना वो दिखा रहा है हमें। लेकिन नज़ारा बहुत ही बढ़िया लग रहा है, खूबसूरत मज़ा आ गया यार यहाँ आगे, यहाँ से लग रहा है हाँ भी हम आज हमने कुछ किया है, इतने टाइम से निकले हुए हैं ना दिल्ली से, आज लग रहा है कुछ हमने कुछ हासिल कर लिया वो भी अपनी थार के साथ, देख रहे हो ऑन रोड। और समझ कौन कौन सी अटैच है नदी? वो
ग्रेट बंगाल अच्छा रबिन सी इंडियन ओशन इंडियन ओशन ओके ये तीन चार जो तीन समुद्र हैं जो अटैच होते हैं और रूम देखने के लिए आए हैं रूम देखते हैं अगर सही लगा तो नॉन एसी कैसा नीचे पता करना पड़ेगा हमारे एजिडा अंकल ने बताया कि बैग वगैरह तुम खुद उठाओ तुम जवान हो अभी ये अंकल थोड़ा वो एजिड हो गया पर अंकल अभी भी जवान है अंकल ने हमारे को एक ही बारी में एक रूम दे दिया बढ़िया सा और अंकल को हमने डिस्टर्ब किया नींद के अंदर नहीं नहीं डिस्टर्ब किया कोई डिस्टर्ब नहीं होता है ना कि एक हमारे मेरा काम वही है ना होता है ना कि एक हमारे पापा की एज के बंदे मतलब हमारे फादर साहब की एज के बंदे हों तो उनको डिस्टर्ब करना अच्छा लगता नहीं, है नहीं उससे डिस्टर्ब ठीक होगा ना नेचर सही होगा बिना मतलब कोई मौसम वगैरह नहीं होगा तो ये वो हमें उठाएगा 5 बजे उठाएगा या 6 बजे उठाएगा मॉर्निंग यही बता रहे थे वही बाकी यहाँ का सनराइज जो अच्छा होता है वो इनको पता है टाइमिंग अगर मौसम नहीं बिगड़ा क्योंकि मौसम अभी ख़राब हो रहा है ये देख लो आप बादल हो रहे हैं ऊपर और ये होटल हमारा होटल स्पॉट भाग्या किसी ने आना हो तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा और ये अंकल आपको मिलेगा हमारा नाम लीजिएगा दिल्ली वाले सरदार जी नहीं वहाँ से इधर मेरा कस्टमर ज़्यादा आएगा अभी आज ही भी कस्टमर आएगा BSF में काम करता BSF में काम करता है अच्छा कोयम्बतूर ज़्यादा अच्छा वो मेरे को पता है हमने खाली इसलिए रुके हैं यहाँ पे क्योंकि बस एक पहचान छोड़नी है हमने यहाँ पे कि हम आया है अरे कितना खाली फोटो खींच के निकल जाना हमने तो रूम लेना भी नहीं था हम तो बाहर बाहर से जा रहा था हाईवे से ही किसी ने बताया कि यहाँ पे तुम्हारी फ़ोटो नहीं आएगा रात में उस जगह पे जाओगे तो दिन में फ़ोटो आएगा ऐसा कुछ हुआ होटल में आ गए हैं और बेड पे आराम फरमा रहे हैं और बहुत ज़्यादा थक गए थे यार नीचे जो होटल वाले थे उनसे मेरी बात हुई अब देखा ही हुआ आपने अभी उनसे मेरी गुफ्तगू हुई थी उनसे बढ़िया लगा बात करके अच्छे थे पर्सन बढ़िया लगे मेरे को तो ठीक है इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी व्लॉग अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा तो पता नहीं क्या करना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय ये देखो एक खिड़की हिल रही है बड़ी तेज हवा आ रही है से खिड़की में से आवाज आ रही है मैं नहीं ला रहा देखो मैंने खाली पर्दा पकड़ा हुआ है The next day. तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड एक बार फिर से स्वागत है अपने ब्लॉग में और आज का दिन सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हुई है हमारी कुछ ऐसे पीछे का बैकग्राउंड देख लो आप पूरा जबरदस्त लग रहा नज़ारा और आपको दिखाता हूँ अभी लहरें देख लो कितनी तेज है अभी हम रात को ना यहाँ पे आए थे बट सामने की तरफ आए थे वो जो चर्च है ना सामने उस जगह पे आए थे और हमें पता नहीं लगा कि ये सामने जो मेन पॉइंट है ना ये वाला सामने वाला ये है मेन पॉइंट अभी रेडी हो रहा है ये वाला पॉइंट और बोटिंग बोट काफ़ी पड़ी हुई है सारी बोटे लकड़ की बनी हुई पैदल जाने का कोई नहीं है पानी उतना इतना भैया वो जा रहे हैं ना देखो सामने इतना पानी डीप है इससे ज्यादा नहीं है हाँ वो नहीं है बाकी यहाँ हम आए थे रात को इस जगह पे खड़े हुए थे और यहाँ पे हमने यहाँ पे वही अंकल बैठे हुए थे अंदर इसके अंदर यहाँ पे हमने बात बूत की थी गूगल ट्रांसलेट से मतलब लिख के ये गाड़ी हमारी आ चुकी है थार यहाँ पे और हम भी यहाँ खड़े हैं लास्ट है मैप का लास्ट एंड है जहाँ हम खड़े हैं इस टाइम पूरा लास्ट एंड पे कन्याकुमारी के लास्ट के एंड पे और ये दो चीज़ें बन यार तीन ओशियन जुड़ती हैं बे ऑफ बंगाल अरेबिक सी और इंडियन ओशियन ये तीनों कनेक्ट होती हैं दिखाऊंगा आपको अगर दिखे तो आपको पॉइंट यहीं पर ही है इसका सामने ही पॉइंट है अब यहाँ से ना आगे जाने की प्लानिंग है और ये वाला रास्ता है सामने जाने का जहाँ से स्कूटी आई है ना ये वाला रास्ता वो सामने रास्ता ये वाला यहाँ पे बंदे खड़े हैं ना यहाँ से आगे जाने का प्लानिंग है फिर फोटो शायद वहाँ से बढ़िया है और ये लास्ट है इसका भूख भाग लग रही है देख लो रूट मैं तो पूरा हिल रहा हूँ और इस रूट पे कार ले आए हम अपनी थार ले आए हैं और सामने का नज़ारा देखो ओए होए क्या नज़ारा ये बिल्डिंग तैयार हो रही है आने वाले टाइम में ये भी तैयार हो जाएगी
फाइनली फाइनली इस लोकेशन पे आ गए हैं। वो वहाँ से दिखा रहा था मैं आपको लोकेशन, बट यहाँ पे हम आ गए हैं। अब ये पता नहीं ये वही लोकेशन है या नहीं। ठीक आए थे हम वो सामने से होते हुए, हम वहाँ थे सामने, ये बोर्ड है ना यहाँ पे, उसके सामने थे हम, वहाँ से यहाँ आ गए हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, मज़ा आ गया, मतलब मज़ा आ गया एकदम। सामने चर्च भी है, मौसम एकदम सही है इस टाइम, मौसम भी साथ दे रहा है। चलो सामने ये एंड है, ये लास्ट है, अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये लास्ट है, लास्ट ये देख लो, लास्ट एरिया मैप के लास्ट में आ गए हम। श्रीलंका इससे भी आगे बढ़ती है, पर वो बाय बोट जाना पड़ता है। देख लो क्या नज़ारा, लहरें ही लहरें हैं, लहरें लहरें इतनी ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे शांत है लहरें, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ शांत है लहरें, देख लो। और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ही तेज़ हैं, देखो लहरें कितनी तेज़ हैं। वाइड एंगल भी दिखाता हूँ, वाइड एंगल में कैसा नज़ारा नज़र आता है। वाइड एंगल में ना थोड़ा, ये देखो धूप भी, सूरज भी निकला है। मेरे ख्याल से आगे भी जाते हैं, आगे भी जा सकते हैं, नहीं जाएगी लेकिन। पैदल जाओगे चलना की। और हाँ, मैंने यहाँ पे आके स्नैपचैट पे ना अपनी लोकेशन का स्क्रीनशॉट ले लिया, जो कि लास्ट एरिया का स्क्रीनशॉट ले लिया। और व्यू देख लो 360 घुमा के दिखा रहा हूँ आपको, 360 मज़ेदार एकदम ब्यूटीफुल। मुताबिक अभी पता लगा कि यहाँ पे ना ये वाला जो मैं आपको बता रहा था ना, ये पत्थर जो बने हुए हैं ये पीछे मेरे, ये वो वाले नहीं है जो मैंने आपको बताए हैं, ये वो पत्थर नहीं है। कन्फ्यूजन थी थोड़ी सी, खत्म हो गई है। रामेश्वरम में पत्थर है ये, जो राम राम लिखा होता इस पे, जिससे पूरी वो दिखाई नहीं देता, लिखा हुआ लिखा हुआ दिखाई नहीं देता ना, अपनी दिखाई देता, नहीं दिखाई देता उससे, आपके कारण तीन फुट नीचे बता देता। अच्छा, समुद्र में है वो बटन भी तीन फुट नीचे है, मतलब गहराई में हो गया ज़्यादा पानी के कारण ज़्यादा। अच्छा भैया, हज़ार साल पुराना। यहाँ भी कुछ हमारे फोटो वगैरह खिंचवाई हमने भैया से, भैया कह रहे यहाँ पे सर्च भी, हाँ नेट वो अभी इंस्टाग्राम में फॉलो करवा रहे हैं, वहाँ से फोटो खींची तो हम टैग कर देंगे, टैग कर देंगे। YouTube भी दिखा दो भाई को, वीडियो में तो आ ही गए हो, वीडियो में तो आ ही गए भाई लोग, अब YouTube पे भी आ गए दोनों, तीनों के तीनों। ट्रेन से कितना तमिलनाडु रहते हो, ट्रेन से कितना टाइम लगा यहाँ? हाँ हम लोग तमिलनाडु से कोयम्बटूर से बस से आए, बस से आए हो? 11 घंटा। कितना किलोमीटर? नहीं 600 कुछ, 500 कुछ, मतलब 500 कुछ। अच्छा, यहाँ आके बढ़िया लग रहा, मतलब आज पहला दिन आपका यहाँ पे? यहाँ पर आते रहते हैं। आते रहते हो मतलब साल, साल में जैसे दिवाली हुआ ये सब, दिवाली में कुछ जाए फिर भी रहता है यहाँ पे, याद कुंभ के मेले के चक्कर में। अच्छा, यहाँ पे इस एरिया में ही? हाँ, पूरा जहाँ जहाँ पूरा जहाँ जहाँ नजर जा रही है वहाँ तक पूरा, सामने मंदिर चले गए। हाँ, रोड से। अच्छा, तो यहाँ वो बताते ना जो राम जी ने अपने पत्थर लिखे, यहाँ नहीं हो? रामेश्वरम, रामेश्वरम में हो, वहाँ जाना जरूरी है, मतलब अगर यहाँ आए तो वहाँ निश्चित जाइए, वहाँ जाना जरूरी है। इसी पत्थर पे राम लिख के फेंकोगे ना समुद्र में, डूबेगा नहीं, डूबेगा नहीं वो, हकीकत है, हकीकत है। सही में? हाँ सही में। सुन रहे हो क्या कह रहे भाई लोग हमारे, कि यहाँ पे कोई उस जगह पे राम लिख के, कोई पत्थर पे लिखोगे ना आप राम लिख के, सच्चे मन से लिखना पड़ता है, है ना, भक्ति भाव से, भक्ति भाव से लिखो तो वो डूबेगा ही नहीं, डूबेगा। तो वहाँ पे ऐसे होंगे और भी पत्थर जो डूबे नहीं हुए अभी तक, दिख सकते हैं? पुल बना था वो पुल अभी तक राम लिखा हुआ दिख रहा है अभी भी? हाँ, दिख रहा है, क्योंकि भाई कह रहा है 3 फुट नीचे हो गया। नहीं नहीं नहीं, दिख रहा है अभी भी? अभी भी दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है। अरे हो ना, तो ये 1/1 साउथ कार स्ट्रीट कन्याकुमारी, यहाँ पे ब्रंक पंजाबी ढाबा लिखा हुआ है, बाकी मंगवाया हमने, देखते हैं ये पंजाबी ढाबा ही है या नहीं, खाने के बाद पता लगेगा। स्वागत नहीं करोगे क्या? चाय आ गई भाई, अपना आलू के परोठे हैं, और दो मतलब 3-4 दिन बाद मिल रहे हैं तंदूर वाले, बढ़िया से बड़ी, नहीं तो वो रबड़ मिल रही थी हमें बार बार। चीनी का दाना देख लो कितना बारीक है, बिल्कुल पतली है, पतली बिल्कुल, देखो आगे चम्मच चीनी जैसे, चीनी लग रही, नमक लग रहा है, नमक हो ना सॉल्ट हो यहाँ पे, क्योंकि भाई जो यहाँ पे आ रहा है कन्याकुमारी ये वाला ढाबे पे जरूर आना, आलू पराठा सारे चीज़ हैं और ओके है, मतलब करारी मिलेंगी, जो आपको करारा खाना है ना, अगर होट मिर्चे वाला स्पाइसी खाना तो मिलेंगी,
यहाँ डोसा वगैरह भी सब कुछ है। इस होटल में हमने खाया था खाना, लिखा हुआ था हमने 1/1, एड्रेस लिख लियो स्टॉप पर भी। बाकी चलते हैं, गाड़ी फंसा दी है, एक बाइक यहाँ लगा दी, गाड़ी यहाँ लगा दी, निकलेगी कैसे? हार अभी खड़ी है, निकलेगी जरूर।